हमारी बिजली वालों ने इधर बजा के रखी हुई, आप कह रहे लोड शेडिंग है, क्यों बंद कर दिया, जहाज थोड़ी चला रहे हम लोग। इतनी लोड शेडिंग है, इतना परेशान करा हुआ, बिल इतना दे रहे हैं कि जैसे कोई हद ही नहीं है। 24 घंटे लाइट ही होती है, आधी आधी रात को अपने घर के आगे बैठे। भाई जान ये पूछो कि कितने दिन आती है, कितने टाइम आती है। इन लोगों को कैसे वालों को सबको मर जाना चाहिए, कुत्ते ही मौत। लोड शेडिंग क्या, लाइट होती नहीं है, 24 घंटे लाइट ही होती है, आधी आधी रात को अपने घर के आगे बैठे। 1 घंटे के लिए लाइट आती है और 1 घंटे की चली जाती है। हमारी बिजली वालों ने इधर बजा के रखी हुई, आप कह रहे लोड शेडिंग है। भाई जान ये पूछो कि कितने दिन आती है, कितने टाइम आती है, ये नहीं पूछो कितने टाइम जाती है, कितनी देर आती है, ये बताओ। बिल उतने ही ठोक के आ रहे हैं, हमारी बजा के आ रहे हैं। भाई जान बिल वही आ रहे हैं जो आ रहे हैं। ये तो मैं तो इनसे अपील करता हूँ, भाई जान हमारे मीटर काट के ले जाओ, टैक्स तो हमें वैसे ही भेज रहे हो, बिजली तो आती नहीं है, बिल आता है तुम्हारा। बहुत लोड शेडिंग है भाई, 1 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे जाती है, और जो 2 घंटे के बाद आती है लाइट, उसके बाद ये ब्रेकर है, इसके अंदर से ये गिराकर चले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं है इनका। 2 घंटे की वजह वो 4 घंटे हो जाती है। इतनी लोड शेडिंग है, इतना परेशान करा हुआ, बिल इतना दे रहे हैं कि जैसे कोई हद ही नहीं है। बिल आ रहा है भाई, हमारे समझ लो कि 200 यूनिट हो जाते तो 12,000 का 14,000 का ऐसे बिल आ रहा है। किसी काम के नहीं है ये लोग, बस पेट भरते रहो, नहीं पैसा खिलाते तो ये खुश रहेंगे। जब चाइना अपने हाथ में लेना था, ले रहा था प्लांट, सही है ना, जब इन्होंने नहीं हम नहीं, जो अगर चाइना के हाथ में देते तो उनके पेट कैसे भरते। हमारा दारुल इस्लाम सोसाइटी है बदर चौक, ब्रेकर यहाँ लगा हुआ है, उस पर आते हैं और आगे उसको बंद करके चले जाते हैं, और जिन इलाकों से भत्ते मिलते हैं वहाँ उन लोगों को लाइट देते हैं, और और जो बिल भरने वाले हैं उनके बैठे रहते हैं। बिल हमारा कभी 5,000 कभी 6,000, बस रात दिन इनको अल्लाह का नाम लेके बस खराजे तहसीन पेश करते हैं, और क्या होता है, यही कर सकते हैं हम, और क्या करें। इनसे कौन पूछे, हमारे हुक्मरान तो बैठे पड़े, उनको तो कोई वास्ता ही नहीं किसी चीज़ से। गरीब आदमी मर रहा है, मर जाए, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। अभी 1 महीने के अंदर अगर लाइट का इंतजाम इन्होंने सही नहीं करा तो अगर कोई गाड़ी आएगी जला दी जाएगी इनकी। भाई हमारे पे मेहरबानी करें, बच्चे हैं हमारे, हम तो घरेलू लोग हैं, हम कारोबारी लोग तो है नहीं, घरेलू आदमी है, घरेलू को तो पता आपको लाइट की जरूरत पड़ती है, बहुत मुश्किल है। कभी हम लोग बाहर गलियों में, मर्द जो है बाहर गलियों में बैठ जाते हैं, लेडीज बेचारी अंदर परेशान होती है, वो तो बाहर आ नहीं सकती, बच्चे हैं छोटे छोटे। इलेक्ट्रिक को कहूँगा कि खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो, और जो है ना वो जो चाइना की कंपनी है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उसको हमारे ऊपर लेके आओ, और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस तरह यूरोप में, बर्तानिया में कॉन्फिडेशन है कि 4-4, 5-5 कंपनी ऐसे पाकिस्तान में भी 4-5 कंपनियों को दो, कॉम्पिटिशन चले, वो यूनिट तकसीम हो, हमारा फ़ायदा हो, अल्लाह का नाम लेके कैसी से हमारी जान छुड़ाओ। भाई के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जो है ये ख़त्म किया जाए, पहले जो वापदा का था वही आना चाहिए, अभी जो मुहिम चली हुई है इनको बिल्कुल बायकॉट किया जाए, इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इतनी गर्मी का टाइम है, आदमी भिलक रहा है, बच्चे हमारे रो रहे होते हैं, रात में किसी भी टाइम लाइट बंद कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई कानून है ही नहीं ना इस मुल्क के अंदर। असल में लेटी वालों को यही पैगाम दूंगी, वही यहाँ की लाइटिंग बनी ना करो, यहाँ कौन से झाड़ चला रहे या जनरेटर कुछ चला रहे हैं, जब तुम बिल्कुल आएंगे तुम्हें तकलीफ होगी, यहाँ की लाइट बंद ही नहीं करो, लाइट बहुत जाती बंद ही ना करे, क्यों बंद कर रही है, जहाज थोड़ी चला रहे हम लोग। कुंड के सिस्टम में होता है, कहीं कहीं दूर दूर है, वो इलाका जो एक है ना उसमें सबको बंद कर रख करके रख दिए, कहीं भी होगा कुंडा तो यहाँ पर आके बंद कर, पूरी लेन बंद करके